हाँ, और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। तो इसी बीच सबसे पहले एक बड़ी जानकारी मिल रही है, वो आप तक हम साझा करें। दरअसल 27 अगस्त को जयपुर शहर में आधे दिन का अवकाश रहेगा। कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा उपलक्ष में दोपहर 1:30 बजे के बाद अवकाश रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किए हैं, 27 अगस्त को जयपुर शहर में आधे दिन का अवकाश रहेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा उपलक्ष में दोपहर 1:30 बजे के बाद रहेगी छुट्टी। 27 अगस्त को जयपुर शहर में आधे दिन का अवकाश रहेगा, ये जानकारी है। कृष्ण जन्माष्टमी पर चूंकि शोभा यात्रा निकाली जाएगी, उसी उपलक्ष में दोपहर 1:30 बजे के बाद अवकाश रहेगा। तमाम जो सरकारी दफ्तर हैं उनमें और ये अवकाश घोषित किया गया है। तो 27 अगस्त को जयपुर शहर में आधे दिन का अवकाश घोषित किया गया है। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर। विष्णु, जरा बताइएगा, क्या इसके लिए औपचारिक जो ऐलान है वो हो चुका है, और आधे दिन का अवकाश कहाँ कहाँ पर लागू रहेगा? तमाम जो सरकारी विभाग है उन पर ये आदेश लागू रहेगा। जो सामान्य प्रशासन विभाग है, सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। 26 तारीख को जन्माष्टमी के बाद 27 तारीख को जो शोभा यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा को लेकर शहर में तैयारियां जा रही हैं, और जन्माष्टमी के मौके पर जब दूसरे दिन शोभा यात्रा जयपुर शहर में निकाली जाती है, उसको देखते हुए सरकार की ओर से ये डिसीजन लिया गया है। और पूरे जो सरकारी कार्यालय हैं उनमें 1:30 बजे के बाद अवकाश घोषित कर दिया गया है। जी, क्योंकि देखिए यहाँ पर अवकाश घोषित किया गया है, लिहाजा ये दर्शाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर ये जो शोभा यात्रा निकाली जाती है कितनी अहम है। लिहाजा इस शोभा यात्रा को लेकर प्रशासनिक इंतजाम क्या अभी से शुरू हो गए हैं? देखिए, तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जो गोविंद देव मंदिर है वहां पर लगातार तैयारी चल रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से भी जो शोभा यात्रा के जो रूट्स हैं उनको लेकर तैयारी की गई है। तमाम तैयारियां प्रस्ताव की ओर से, मंदिर की ओर से पूरी कर ली गई हैं, और सरकार की ओर से छुट्टी के भी जो आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो अब 27 तारीख को जो अवकाश है वो आधे दिन का तमाम सरकारी कार्यालयों में रहेगा। ठीक है विष्णु, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए 27 अगस्त को जो जयपुर शहर है वो आधे दिन के लिए दरअसल वहाँ पर अवकाश रहेगा, जो सरकारी दफ्तर है वहाँ पर। और चूंकि कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर एक विशाल और भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, तो सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर आदेश भी औपचारिक तौर पर अब साझा किए हैं, तो आदेश जारी किए हैं।